नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार राशन वितरण के रिगार्डिंग जो है सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है अब राशन वितरण में बहुत ही बड़ा जो यहां पर बदलाव किया गया है, बहुत ही बड़ा जो यहां पर ये नियम को लागू किया गया है। अगर आप एक बिहार के राशन कार्डधारी है, अगर आप लोग राशन का उठाव करते हैं, तो ये खबर आप लोगों के लिए जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर 1 नवम्बर से काफ़ी सारे राशन कार्डधारियों को, काफ़ी सारे भारतीयों को 1 नवंबर से राशन मिलना जो यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब क्यों बंद होगा, यहाँ पर जो नियम लागू किया गया है उस नियम को आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इलो ट्यूटर एप्लीकेशन भारत का सबसे सुविधाजनक एप्लीकेशन। आप केवल 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। किसी को भी कहीं से भी कभी भी बिना परेशानी के पढ़ाए आप केवल उन विषयों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप 1 या 2 विषयों में अच्छे हैं तो फिलो से जुड़ सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को भरिए, फिर आप अपने नेम, प्रोफाइल फोटो, पैन डिटेल और टीचिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। आप रोजाना 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आज फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गया के DM ने जारी किया गजब का फरमान। अब देखिए यहाँ पर वैक्सीन ना लेने पर 1 नवंबर से राशन बंद, यानी कि यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर राशन कार्डधारी जो है राशन का अपना उठाव करते अपने डीलर से, वे जो है अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनका जो यहाँ पर 1 नवंबर से राशन जो उनका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके बीच जो है राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि गया के DM ने फरमान जारी किया है कि कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा, साथ ही कोरोना टेस्ट से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी वीडियो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी SDO BO BPM जीविका CDPO के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में DM ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक जो है कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें 1 नवंबर से PDS से राशन नहीं मिलेगा। जन वितरण विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। आने की जो यहाँ पर सारा का सारा दिशा निर्देश जो है डीलर के पास जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को यहाँ पर सौंप दिया गया है कि जो भी यहाँ पर राशन कार्डधारी जो भी लाभार्थी जो यहाँ पर टीका नहीं लिए है उनका जो है 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा, उनका राशन जो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ये सारा का सारा निर्देश जो है डीलर को जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सौंपा गया है। उपभोक्ताओं को राशन देते समय जो है आप लोग का डीलर जो है आप जो भी लाभार्थी जो है राशन उठाव करेंगे उसका जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि टीका का प्रमाण पत्र जो यहाँ पर अवश्य देखें। आप लोग को जो है टीका का प्रमाण पत्र COVID-19 सर्टिफिकेट जो है आप लोग को दिखाना होगा। ऐसे लोगों को समय समय पर COVID-19 की जाँच करानी होगी, इनकार करने पर उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कहा गया है कि करीब 3 लाख लोगों का 28 अक्टूबर को टीकाकरण किया जा सकता है। आने की जो यहाँ पर कल तक जो यहाँ पर बताया गया है कि 3 लाख जो यहाँ पर लोगों का टीकाकरण जो यहाँ पर किया जा सकता है, उसके बाद जो यहाँ पर राशन का वितरण किया जाएगा। इससे जो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो भी राशन कार्डधारी जो भी लाभार्थी जो यहाँ पर अपना राशन का उठाव करते हैं वे जो यहाँ पर टीका नहीं लिए तो उनका जो यहाँ पर हो सकता है 1 नवंबर से जो यहाँ पर राशन का बंद कर दिया जाएगा। लाभार्थी टीका नहीं लिए उनको राशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी राशन कार्डधारी जो भी लाभार्थी जो अभी तक टीका नहीं है वे जो है टीका ले सकते हैं, या बाद जो है सभी का यहाँ पर राशन दिया जाएगा। तो यही जो ये खबर निकल कर आ रही थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।